सो गाइज, आई एम सोनल अग्रवाल फ्रॉम विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग द वीडियो. अगर कोई प्रॉब्लम आए मेरे फ्लो में या जो भी आपको फील हो, प्लीज़ आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अगर आपको अच्छा लगा तो आगे फ्यूचर में शायद मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाऊँ. सो हम बेसिकली खड़े हैं AIPL पीसफुल होम एंड जनरल रेसिडेंसी के गेट पे. ये सेक्टर 70A में लोकेटेड है ऑन SPR रोड. 70A की सबसे अच्छी खासियत मैं आपको बताऊं, ये एक पेरीफेरी सेक्टर है. इसके सराउंडिंग में आप देखेंगे ये सारे अरावली माउंटेन्स है और हर फ्लैट से आपको अरावली का बहुत अच्छा व्यू आता है. सो इस चीज़ से आप इंश्योर रहिएगा कि आपके आसपास फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाली है. यहाँ से कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप गोल्फ कोर्स रोड जा सकते हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जा सकते हो, न्यू गुड़गांव जा सकते हो. अभी एक नई हीरो होंडा चौक की कनेक्टिविटी भी डायरेक्ट यहाँ से निकली है. बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ना 6 स्टार्स हैं, जिनमें से 3 के हमें पोजीशन मिल चुके हैं और जो Zen 1 और Zen 2 है वो अभी उन पे काम चल रहा है. और एक ये हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है, क्लब रेसिडेंसी, जिसका पोजीशन हमें ऑलरेडी मिल चुका है. सो सिंस जेन रेसिडेंसी में यूनिट्स अवेलेबल है तो इसीलिए आज हम जेन रेसिडेंसी की बात करेंगे. सो फाइनली यहाँ पे जो ABC टावर है AIPL पीसफुल होम के, वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं और उनका साइज़ स्टार्ट होता है 24 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक. सो अब मैं आपको जेन रेसिडेंसी के बारे में कुछ बताती हूँ. सो जेन रेसिडेंसी के बेसिकली 2 टावर्स हैं, तो उनमें 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के फ्लैट्स हैं. 2 बेडरूम के फ्लैट्स का जो साइज़ है वो बेसिकली 1250 स्क्वायर फुट से 1350 स्क्वायर फुट के बीच का है और जो 3 बेडरूम टावर है उनका साइज 1650 स्क्वायर फुट से लेके 1750 स्क्वायर फुट के बीच में है. दिस सोसाइटी इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 11.5 एकर्स. इट्स अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट. सो बेसिकली ये सोसाइटी जो है एक कम्प्लीटली कार फ्री एरिया है. तो जब आप यहाँ से एंट्री करोगे ना, आप डायरेक्ट ये हमारा रैम्प है, ये आप सीधा अंदर पार्किंग में चले जाओगे और एग्जिट का हमारा दूसरा रैम्प है जो मैं आपको आगे बढ़ते हुए दिखाऊंगी. ठीक है, अब आइए चलिए हम सोसाइटी ये देखते हैं. सो बेसिकली ये सोसाइटी जो है ये फुल वाटर, इसमें सारे वाटर फीचर्स बहुत अच्छे लगे. दे आर कम सो ब्यूटीफुल, जो जब आप मैं आपको दिखाऊंगी आपको पता चलेगा. एक्चुअली यहाँ पे हर टावर के आगे ड्रॉप ऑफ एरिया बना हुआ है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है और आप देख पा रहे हैं ये क्लब रेसिडेंसी का और क्लब का वाटर फीचर है. बेसिकली अभी ये चल नहीं रहा है बट इवनिंग में फिर इसकी लाइट्स भी चलती है और ये काफ़ी अच्छा लगता है जब ये चलता है. तो सो फाइनली दिस इज़ द क्लब एरिया ऑफ AIPL पीसफुल होम एंड जेन रेसिडेंसी. तो आप देख सकते हैं काफ़ी ही खूबसूरत, दिस इज बहुत सुंदर बना हुआ है और इसका नाम है क्लब तांत्रा. क्लब तांत्रा विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बुद्धा. वो एक्चुअली पूरी सोसाइटी ही उस चीज़ पे बेस्ड है. तो आइए मैं आपको अब अंदर ले चलती हूँ, लेट्स गो इनसाइड. यहाँ पे भी एक रैंप एरिया बना हुआ है जो कि हमारा पूरी सोसाइटी में इन लोगों ने दे रखा है. सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, वेरी ब्यूटिफुली मेड. और द सीलिंग इज डबल हाइटेड हुए हैं जिससे कि हमारा एंट्री काफ़ी ही सुंदर लगता है. दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. दिस इज बेसिकली वेटिंग एरिया, यहाँ पे हाई चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं. सो हमारे गेस्ट आए, जो भी आए, हम यहाँ पे वो वेट कर सकते हैं. एंड सो फ्रेंड्स, दिस इज अ रीडिंग एरिया. यहाँ पे कुछ बुक्स भी रखी हुई है, एक छोटा सा मिनी लाइब्रेरी बनाया हुआ है. तो हम इसको अकॉर्डिंगली, जस्ट कि कोई गेस्ट आ रहे कोई आ रहे तो यहाँ पे वो आराम से वेट कर सकते हैं थोड़ी देर. सो दिस इज़ बेसिकली ये एक टॉडलर रूम यहाँ पे बनाया हुआ है. सपोज़ कि हम एज बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर, सो अगर मैं भी कहीं जा रही हूँ, कहीं अपने बच्चों को छोड़ के मैं जाना चाह रही हूँ, जहाँ मैं हर जगह अपने बच्चों को हम नहीं लेके जाना चाहते, प्रेफर नहीं करते, तो हम बच्चों को विद हमारे केयर टेकर्स हम उन्हें यहाँ छोड़ सकते हैं. इट्स वेरी सेफ, कोई दिक्कत नहीं है. बच्चे यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे आराम से इस एरिया में इंजॉय कर सकते हैं. और जो यहाँ की सिक्योरिटी भी आपको मैंने बताया ही था कि काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पे. सो मुझे लगता है कि दिस इज़ परफेक्टली. और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ 8 से 10 बच्चे एक साथ आराम से खेल सकते, कोई इशू नहीं आएगा इस चीज़ में. सो यहाँ आप सामने देख रहे हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ बुद्धा. ये एक जापनीज थीम पे बनाया हुआ है. द कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग इज सो प्रिटी कि मैं आपको आई जस्ट कांट से यू, इट्स अमेजिंग. सो गाइस लेट्स कम हियर. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जिम ऑफ AIPL रेजिडेंसी, राइट.
सो इसका साइज आप देख सकते हैं, मतलब अमेजिंग। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि यहाँ पे इतना अच्छा साइज का हमें जिम मिलेगा। और यहाँ पे आप देखें, मतलब यहाँ पे सारे वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जो हमें डे टू डे लाइफ में हमें जिमिंग के पर्पज से हमें चाहिएंगे। सो गाइज, दिस इज द पूल एरिया। वो मैं आपको ना तो बाद में दिखाती हूँ, जब हम यहाँ से पूरा घूम के सोसाइटी देखेंगे, देन आई विल शो यू दिस एरिया। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मूवी, दिस इज द एवी रूम। हम अंदर आते हैं। तो आजकल का जो ये नेटफ्लिक्स का जो आज ज़माना आ गया है, तो हम यहाँ पे आराम से कोई भी एक मूवी लगा के विद फैमिली विद फ्रेंड्स हम ये इन्जॉय कर सकते हैं इस एरिया को। और आप देखें, यहाँ पे एक छोटा सा हमें फ्रिज भी अवेलेबल है। तो ये बेसिकली एक लाउंज एरिया है यहाँ पे। तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मूवी देखते समय जो हमें लगता है कि हम कुछ टिडबिट्स वगैरह इन्जॉय करें, तो हमें वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। सो गाइज, दिस इज़ द बैंक्वेट हॉल ऑफ दिस रेसिडेंसी। लेट्स कम इनसाइड। 50 पीपल के लिए हम एक छोटा सा गैदरिंग, बर्थडे पार्टीज़ या कुछ भी एक छोटा सा हमें कुछ करना है, कॉकटेल वगैरह, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक किचन है जिसमें हम, या तो अगर हम चाहें तो हम सोसाइटी के केटरिंग के लोगों को भी हम हायर कर सकते हैं, या अगर हमें कुछ अपना पर्सनल चॉइस है तो हम बाहर के केटरिंग को भी ला के हम यहाँ पर सेट करके हम अपनी छोटी सी एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ना हमें दो मीटिंग रूम्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम चाहे तो अपनी छोटी मोटी मीटिंग्स हैं जिस जो हम ऑफिस में नहीं जाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे बुला सकते हैं अपने क्लाइंट्स को और हम छोटी मीटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। एज़ बिकॉज़ अब आपको पता है लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो अब जो लॉकडाउन के टाइम्स है ना, वो इसका इम्पोर्टेंस सोसाइटीज़ में काफ़ी बढ़ गया है। तो ये एक हो गया। और द सेकेंड वन इज़ दिस साइड, दिस इज़ द सेकेंड मीटिंग रूम। एंड गाइज, ये एक छोटा सा पेंट्री भी है यहाँ पे फॉर टी, कॉफ़ी, एनी थिंग। एंड बेस्ट पार्ट है कि ये वाईफाई इनेबल्ड है, तो हमें कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले। सो फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टू द फर्स्ट फ्लोर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ओपन टू स्काई लाउंज एरिया है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुली मेड। यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास बिछाई हुई है काफ़ी अच्छे से। और Now I've come to the favorite place of the youngsters, of anybody, of all of society peoples. So this is the bar and lounge. The sitting is very beautifully made. You can see, it's a very very big area. आप देख सकते हैं, ये lounge के साथ attached open area है. So I think यहाँ बैठने में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, as because summer winters में I think they'll provide heater and all to also. So हम यहाँ बैठ के अपने friends के साथ, अपने family के साथ एक अच्छा time spend कर सकते हैं, अपने दिन भर का stress आके यहाँ पर release कर सकते हैं। So friends, यहाँ से हमारा एक बहुत अच्छा pool view आता है, आप देख पा रहे होंगे ये। So guys, this is the gaming room. ये एक बहुत अच्छी जगह है अपने friends के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे देखिए आप, ये चेस टेबल्स बनी हुई है और हम यहाँ पे लूडो, कैरम कुछ भी खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपना टाइम। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छा परफेक्ट एरिया है, बिकॉज वो घर पर काफ़ी बार बोर हो जाते हैं। तो आई थिंक, तो जनरली दे यूज़ इट एज अ कार्ड्स रूम ऑल्सो। ये हमारा सलून है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा सलून है। मुझे जैसा लग रहा है कि यहाँ पे आई थिंक ये बंद है अभी, तो इसका व्यू हम आपको दिखा देते हैं। इस सोसाइटी में आने के बाद मुझे नहीं लगता है आपको कोई भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इनसाइड। सो फ्रेंड्स, दिस पूल एरिया, इस तरफ लेफ्ट साइड आप मेरे देख पा रहे हैं, दिस इज़ द एडल्ट पूल एरिया। यहाँ पे बेसिकली दो पूल्स बने हुए हैं, एंड दैट इज़ द किड्स पूल एरिया। और दिस पूल लाउंज एरिया जो इस तरफ बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। सो बेसिकली जब हमारे बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो हम बैठ के उनका वेट करें या जो भी है, तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। दिस इज द पूल डेक एरिया।
This is the shower area. And that side, there's the changing area. This is the basketball practice court. इन्होंने ना स्टिल्ट एरिया पे कैफेटेरिया एरिया बनाया हुआ है, काफी बड़ा है ये, आप देख सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ का जो व्यू है काफी अच्छा है, काफी ग्रीनरी है चारों तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जिट रैंप है, जो हमारी कार एंट्री होती है वो यहाँ से एग्जिट होके फिर निकल जाती है। सो बेसिकली ये टोटली कार फ्री जोन है। ये हमारा एग्जिट एरिया आ गया, वो हमारा एंट्री था और ये हमारा एग्जिट हो गया। ये बैडमिंटन प्रैक्टिस कोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। जैसा कि ये एक ऑपरेशनल एरिया है, यहाँ ये वाला टावर जो है हमारा, ये टावर ऑपरेशनल है। तो ये ड्रॉप ऑफ जोन है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप कितना सुंदर ये वाटर बॉडी बनी हुई है। सो गाइज ये ऑपरेशनल है तो आप इसका प्रेजेंस देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है ये। दिस इज़ ब्यूटिफुली मेड। ये इसका जो टावर लॉबी एरिया, ये भी ऑपरेशनल है और यही सेम आपको जेन में भी मिलेगा। सो इसका रिसेप्शन एरिया आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से बना हुआ है और सिटिंग एरिया भी एज इट इज़ हमें जेन में भी यही प्रोवाइड होने वाला है। ये आप देख सकते हैं किड्स प्ले एरिया है, काफ़ी इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए और काफ़ी बड़ा स्पेस है बच्चों के हिसाब से। और ये हाईली सिक्योरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे कब कैसे भी खेल सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस ये एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल झूला यहाँ लगाए हुए हैं। ये टावर भी ऑपरेशनल है हारमोनी, और यहाँ का आप एलिगेंस, यहाँ की ब्यूटी आप देख पा रहे होंगे। ये जो यहाँ की वाटर बॉडी है ये भी ऑपरेशनल है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, अमेजिंग। एक जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आती है जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। दिस इज द नर्सरी स्कूल और ये हमारा स्केटिंग रिंग है और ये हमारा एक और बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पे। दिस इज द पेट गार्डन, जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है बिकॉज आज के दिन में 50% ऑफ द फैमिली के पास एक पेट ज़रूर होता है। तो दिस इज स्मॉल पेट गार्डन विच इज़ अवेलेबल ओवर हेयर। दिस इज द वॉलीबॉल कोर्ट एंड दिस साइड इज द लॉन टेनिस कोर्ट। ये छोटे छोटे पॉकेट एरियाज इन्होंने यूज़ किए, जो भी एरिया टावर के नीचे हमारा बचा हुआ है। दिस इज़ इन्होंने काफ़ी छोटा सा सुंदर सा एक किड्स एरिया बना दिया है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं थोड़ी देर। इस सोसाइटी में बेसिकली जो भी पेरिफेरियल एरिया है ना, यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही अच्छी गार्डनिंग की हुई है, वर्टिकल गार्डनिंग। और यहाँ देखो इन्होंने काफ़ी पेड़ भी लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी तरीके से। यहाँ पे आपको थोड़ी मेडिटेशन वाली फीलिंग भी आती है, मतलब काफ़ी पीस है यहाँ पे बेसिकली। सो आपको यहाँ बैठ के योगा मेडिटेशन कुछ भी करना, यू विल फील वेरी गुड ओवर हियर। ये हमारा छोटा सा एक सिटिंग एरिया हो गया। ये जो बुशेस लगे हुए बेसिकली इस, ये ना पूरा यहाँ कवर कर जाएगा तो ये काफ़ी खूबसूरत सिटिंग एरिया बन जाएगा, काफ़ी एलिगेंट। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, इट विल टेक सम टाइम, बट ये काफ़ी सुंदर बनने वाला है। जो ये जॉगिंग एरिया है ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ ये देखो पूरी कार फ्री जोन है, तो यहाँ पे आपको जॉगिंग वॉगिंग करते समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाली है। आपके बच्चे भी यहाँ खेल रहे तो यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड एज बिकॉज कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आने वाली है यहाँ पे। आप इस पॉकेट में भी देख लो इन्होंने कितने अच्छे से इसको यूज़ किया है, एक छोटा सा बच्चों के लिए एरिया बना के इसको। सो अब हम यहाँ थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। दिस इज़ द बेसिकली कैफेटेरिया और वी कैन ऑर्डर कॉफ़ी ओवर हियर एंड एंजॉय सम, एंजॉय आवर ब्यूटीफुल इवनिंग। सो बेसिकली जब ये हमारे दोनों टावर बन जाएंगे
और जब ये बैरिगेटिंग एरिया हमारा खुल जाएगा तो हमारी ग्रीनरी और बढ़ जाएगी एज बिकॉज ये सारा कुछ क्लब हो जाएगा तो सब एक में ही दिखने लगेगा और ये हमारा काफ़ी एक्सटेंडेड एरिया लगेगा। अभी एज बिकॉज ये बैरिगेटेड लग गया तो डिवाइड हो गया है। सो एज ये खुलने के बाद ये सारा एरिया हमारा कंप्लीट एक जैसा हो जाएगा और ग्रीनरी हमारी काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी। तो अब हम जेन वन टावर के आगे खड़े हैं। ये बेसिकली यहाँ का जेन वन का सुपर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट रेडी है। इसका एक्सपेक्टेड पोजीशन टाइम 1 ईयर है। और वही हम ये वाला देखें तो ये हमारा जेन टू टावर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और लग सकता है या 1.5 साल या 1.5-2 साल के अंदर हमें ये भी मिल जाएगा। फ्लैट साइजेस दोनों टावर्स के एकदम सेम है, बिल्कुल बिल्कुल ही सेम है दोनों टावर्स। अब मैं आपको यहाँ का ये ड्रॉप ऑफ एरिया दिखाती हूँ। ये काफ़ी ही सुंदर ड्रॉप ऑफ एरिया एज बिकॉज अभी यहाँ का पोजीशन हमें नहीं मिला है तो ये अभी यहाँ का जो फाउंटेन वगैरह है ये अभी चल नहीं रहा है। बट ये ना हमें हर टावर के आगे यहाँ ऑल 5 टावर जितने भी हैं यहाँ सबके आगे हमें ये ड्रॉप ऑफ एरिया दिखेगा आपको। और ये एज बिकॉज यहाँ हमारे गेस्ट आए कुछ आए तो एक अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर पड़े इसलिए हम ये ड्रॉप ऑफ एरिया बनाते हैं। बेसिकली जब हम यहाँ से एंट्री करते हैं ना हमारी गाड़ी ऐसे करके आएगी और यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे जो भी है ड्रॉप होंगे हमारे गेस्ट या जो भी और कार हमारी यहीं की ही निकल जाएगी। सो यहाँ पे ना हमारे रैंप भी बने हुए एज बिकॉज जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं या जो बड़े लोग होते हैं जिनके लिए स्ट्रेस अनकंफर्टेबल होती है तो रैंप एरिया यहाँ पे हमारा बना हुआ है। तो इस चीज़ की सुविधा इस फ्लैट इस रेजिडेंसी में यहाँ पे दी हुई है हर जगह। सो ये हमारा बेसिकली एक टेम्प्रेरी रिसेप्शन एरिया है बिकॉज अभी ये बन रही है ये वाली टावर तो ये वैसे बना हुआ है। तो और यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे जैसे हमारे गेट पे कोई आ रहा है सपोज़ तो यहाँ वहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी है गेस्ट आ रहे नहीं आ रहे ये हमें बता देंगे अंदर फ्लैट में फ़ोन करके थ्रू इंटरकॉम फैसिलिटीज़ एंड ऑल। तो ये एक थर्ड लेयर सिक्योरिटी आप इसको बोल सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा काफ़ी ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं, काफ़ी एलिगेंट बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सुंदर सा बुद्ध का ये लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है बुद्धा एज बिकॉज बुद्धा इज़ अ साइन ऑफ पीस, साइन ऑफ हारमोनी हम वो बोल सकते हैं। और दूसरी बात है ये जो हमारा जेन टावर है ये बेसिकली बुद्धा से रिलेटेड है तो इसलिए यहाँ पे आपको हर जगह बुद्धा से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा, है ना। और दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे दोनों तरफ ना हमारे वेटिंग एरिया बने हुए हैं। जैसे हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हमें उनको यहाँ पे वेट करवाने या जिनको हम अपने घर पे नहीं बुलाना चाह रहे जैसे कि हमारा कोई पॉलिसी वाले आ रहे हैं या LIC वाले आ रहे हैं या जो हम यहीं से यहीं उनसे बातें करके हम उनको भेज सकते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एरिया है। हम उनको यहाँ बिठा सकते हैं और उनसे जो भी हमारी बातें हैं वो कर सकते हैं। और ये जो भी आप देख ले ना फ्लोरिंग ये सारे इटालियन मार्बल हैं। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ से फिर हमारा ना लिफ्ट एरिया स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, आप आओ। अब हम फर्स्ट फ्लोर के लॉबी एरिया में खड़े हैं तो यहाँ हमारे पास 3 लिफ्ट्स हैं, एक हमारे सर्विस लिफ्ट है और 2 हमारे पैसेंजर्स लिफ्ट है। अभी इन्होंने इस एलोकेट नहीं किया हुआ है बिकॉज अभी ये टावर का पोजीशन हमें नहीं मिला है तो हमें पता नहीं कौन सी सर्विस है या कौन सी पैसेंजर है। और बिकॉज ये 25 से 30 फ्लोर की बिल्डिंग है तो ये काफ़ी हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं तो यहाँ पे जो हमें 3 टावर की पोजीशन मिली हुई है तो हम वहाँ जाके हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें 30वें माले पे जाना हो तो हम सेकेंड्स में यूँ पहुँच जाएंगे। सो इतने हाई स्पीड एलिवेटर्स यहाँ पे लगे हुए तो उस चीज़ को लेके हमें कभी कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं जेन वन और जेन टू यहाँ पे ना एक फ्लोर में 4 फ्लैट है बेसिकली, 2 2-बेडरूम फ्लैट है और 2 3-बेडरूम फ्लैट्स है। फाइनली मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखा रही हूँ, 1750 स्क्वायर फुट का ये सैम्पल फ्लैट है। सो अब हम इसके अंदर आ रहे हैं। ये बेसिकली एक एरिया हो गया जिसको आप कैसे भी यूज़ करना चाहे। यहाँ पे इन लोगों ने इसको शू स्टोरेज स्पेस बना रखा है वॉट एवर तो हम इसको कुछ भी अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ। सो अब मैं आपको इस फ्लैट का एक बार लेआउट दिखा देती हूँ, एक ओवरव्यू हो जाएगा। ये हमारा ड्राइंग एरिया और ये हमारा डाइनिंग एरिया है और इसके साथ हमारी एक बालकनी है यहाँ पे अटैच ड्राइंग रूम के साथ और इस तरफ हमारा किचन है, ठीक है। अब इस फ्लैट में 3 बेडरूम्स है, एक बिल्कुल हमारे एंट्री के पास है राइट साइड में, उसको हम गेस्ट रूम भी आप बना सकते हैं या फिर हम जैसे भी अपने अकॉर्डिंग सूटेबल हो। और यहाँ हमारे 2 रूम्स है, एक मास्टर बेडरूम है और एक किड्स रूम है। हमारे यहाँ पे मास्टर बेडरूम के साथ और गेस्ट रूम के साथ ना वॉशरूम अटैच्ड है और एक हमारा कॉमन है जो हम किड्स रूम के साथ यूज़ कर सकते हैं या जो भी हमारे बाहर से गेस्ट आ रहे हैं आउटसाइडर्स आ रहे हैं उनके लिए हम वो वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं।
सो अब मैं आपको गेस्ट रूम बोल दीजिए या पेरेंट्स रूम बोल दीजिए, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। यहाँ पे हमारे तीनों रूम्स में वुडन फ्लोरिंग है, वी हैव ऑल वुडन फ्लोर्ड रूम ओवर हियर। और ये हमारा यहाँ पे फ्रेंच विंडो है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा सनलाइट मिलेगा और एयर सर्कुलेशन यहाँ काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये हमारा इसके साथ अटैच बाथरूम है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो भी आपकी फिटिंग्स है वो काफ़ी हाई ब्रांडेड फिटिंग्स है और सैनिटरीज वगैरह हमें यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ मिलेगा। ये जो लूज चीज़ें उनके अलावा हमें यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्प्लिट एसी लगा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ इस फ्लैट में हमारे 5 स्प्लिट एसीज है जो सारे हमें मिलेंगे एज इट इज़। अब मैं आपको यहाँ ये रूम दिखाती हूँ, ये किड्स रूम हम इसको कर सकते हैं बिकॉज ये बिल्कुल मास्टर बेडरूम से अटैच्ड है हमारा, तो हमें बच्चों के हिसाब से ईजी हो जाता है। यहाँ पे भी वुडन फ्लोरिंग है, स्प्लिट एसी लगी हुई है और ये कॉर्नर इन्होंने स्टडी के हिसाब से बनाया हुआ है, तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसको। और ये आपका कबर्ड एरिया हो गया। एंड यहाँ पे भी हमें एक बहुत अच्छी बालकनी मिल रही है, आप इसको देखिए, ये बालकनी विड्थ वाइज काफ़ी सही है और यहाँ से हमारा सनलाइट, हमारा एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा आएगा, तो बच्चे आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग बना हुआ है ये रूम, बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है जो हमारे किड्स रूम, इस रूम के बिल्कुल आगे है। तो यहाँ ये काफ़ी साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है, तो हम इसको गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, हमारे कोई आ रहे हैं वो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी सीपी फिटिंग्स और ये सैनिटरी वगैरह ये हमें काफ़ी हाई ब्रांडेड मिलेंगे। यहाँ का ये बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें ऐसी वैसी नहीं मिलेगी। और उसके बाद अब मैं आपको यहाँ का मेन जो ये मास्टर बेडरूम है वो दिखाती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे भी वुडन फ्लोरिंग है पूरी, स्प्लिट एसी लगी हुई है हमारे। और उसके बाद मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी साइज़ की बालकनी है ये, आप देखिए। यहाँ पे हम बैठ के हम छोटा सा एक अपना टी टेबल लगा लें, चेयर्स लगा लें और हम यहाँ पे शाम की चाय, सुबह की चाय आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये हमारा बेसिकली ये वार्डरोब एरिया हो गया। हम अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, या हम जैसे ये बनाए हुए हम वैसे भी इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम। सो वॉशरूम यहाँ का बहुत अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसका, आप देख सकते हैं। और ये है हमारी सैनिटरीज जो भी लगी हुई है, ये तो आपको पता है काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। खैर, और ये एंटी स्किप टाइल लगी हुई है सारे वॉशरूम्स में, तो कोई फिसलने का डर नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको किचन की तरफ लेके चलती हूँ, जो हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये पूरा मॉड्यूलर किचन बना हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो हमें कोई भी, यहाँ का स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, हॉब, चिमनी, सब कुछ हमें इस किचन में लगा हुआ मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो भी ये सिंक विंक है ये एज इट इज़ ही हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ हमारा एक छोटा सा यूटिलिटी एरिया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम अपना वॉशिंग मशीन वगैरह सेट कर सकते हैं आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा घर बिल्कुल, ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा सारा काम होएगा वॉशिंग वॉश वगैरह का। सो फाइनली अब मैं आपको 2 बेडरूम फ्लैट दिखा रही हूँ AIPL जैन रेजिडेंसी का। ये 1262 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, जो मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो यहाँ के हिसाब से एक बहुत परफेक्ट स्ट्रक्चर है ये। 1200 स्क्वायर फुट में आपको यहाँ पे एक बहुत सुंदर 2 बेडरूम फ्लैट दिया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। आइए अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। सो ये हमारा बेसिकली यहाँ का ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा साइज़ है 2 बेडरूम स्क्वायर फुट, 2 बेडरूम फ्लैट के हिसाब से। और यहाँ पे हमें एक बालकनी मिल रही है, एज़ बिकॉज ये फर्स्ट फ्लोर है तो यहाँ हमें थोड़ी एक्सटेंडेड बालकनी मिल रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। ये देखिए, यहाँ ये हमारा फ्रंट बालकनी हो गया और यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा इस फ्लैट का, तो ये अमेजिंग है ये बालकनी, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं अब हम। ये यहाँ का किचन हो गया एंड यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स है, एक बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है ना, इसके साथ हमारा टॉयलेट वॉशरूम अटैच्ड है और एक हमारा कॉमन वॉशरूम है, ठीक है। तो ये हमारा
किड्स रूम कह सकते हैं हम या फिर गेस्ट रूम, हाँ वो हमारी फैमिली के हिसाब से है। तो ये किड्स रूम है, यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है, स्प्लिट एसी हमें लगे हुए मिलेंगे यहाँ पे, और इसके साथ एक छोटा सा ये बालकनी अटैच्ड है। काफ़ी छोटा सा और खूबसूरत बालकनी है ये, काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा हमें यहाँ से। एयर सर्कुलेशन, सनलाइट की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। और ये एक छोटा सा स्टोरेज या फिर कवर्ड एरिया बनाया हुआ है, इसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं जो हमें जैसे बनाना है, ठीक है। और ये एक कॉमन वॉशरूम हो गया जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो भी आपके सीपी फिटिंग्स वगैरह है, सैनिटरी वगैरह है, वो एज इट इज़ हमें मिलेगी, और काफ़ी अच्छे ब्रांड की, हाई ब्रांड्स की चीज़ें इन लोगों ने यूज़ की हुई है, ठीक है। तो अब लेट्स गो टू द मास्टर बेडरूम, जो कि 2 बेडरूम 1262 स्क्वायर फुट के हिसाब से काफ़ी अच्छा मास्टर बेडरूम हमें मिल रहा है यहाँ पे। ये वुडन फ्लोरिंग, स्प्लिट एसी लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये एक बालकनी है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी, काफ़ी काफ़ी बड़ी बालकनी है, एक्सटेंडेड भी इनफैक्ट थोड़ी सी, तो इसका विड्थ भी काफ़ी अच्छा है। तो ये बालकनी मतलब हमें मिल रही है मास्टर बेडरूम में। और ये हमारा कबर्ड एरिया हो गया, ये हम हमारे अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं, एज बिकॉज ये सैम्पल फ्लैट है तो इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है। और ये हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ये वॉशरूम एरिया हो गया हमारा। यहाँ पे जो भी हमें फिटिंग्स वगैरह है, ये सारी हमें एज इट इज़ ही मिलने वाली है। बेसिकली इस फ्लैट में ना जो चीज़ें लगी हुई है वो हमें जेन्युइनली या फिर एक्चुअली हमें वो सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है इस फ्लैट के साथ, ठीक है। तो ये आप देखिए, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है 2 बेडरूम के हिसाब से, तो हमारे लिए एक आइडियल फ्लैट हम इसको मान के चल सकते हैं। ड्राइंग रूम में ना यहाँ 2 AC लगी हुई है, एक डाइनिंग एरिया में हो गया, एक ड्राइंग एरिया में हो गया। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन 2 बेडरूम के हिसाब से काफ़ी अच्छा साइज़ है, मतलब 1262 स्क्वायर फुट में मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि इतना अच्छा साइज़ हमें किचन का मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ का ये जो किचन है ये सारा मॉड्यूलर है, देखिए आप, ठीक है। इसमें हॉब चिमनी रखे हुए हैं, ये एज इट इज़ हमें फिटिंग मिलेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये सैम्पल फ्लैट है तो अकॉर्डिंगली वो सेट कर देंगे। और ये सारा कुछ हमें एज इट इज़ मिलेगा यहाँ पे। और ये एक छोटा सा यूटिलिटी एरिया है, जो कि साइज़ में आपको जेन्युइनली बताऊँ तो एकदम परफेक्ट है। 2 बेडरूम में हमें इतना अच्छा यूटिलिटी एरिया का साइज़ मिल रहा है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको हम अकॉर्डिंगली हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वेदर हमें वॉशिंग मशीन रखनी है या हमें अपने बर्तन वर्तन क्लीन करने हो, वो तो हम देखेंगे। ये आपके सोसाइटी शॉप्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। सो ये आपके डेली नीड्स के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फार्मेसी है, यहाँ पे ग्रॉसरी है, जो भी हमें अपने डे टू डे नीड्स में चाहिए होती है यहाँ पे सब कुछ है, और कुछ अभी आ रही है। आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं पे बाहर कुछ भी जाके लेने की कोई ज़रूरत आई थिंक सो नहीं पड़ने वाली है।